हेलो एंड वेलकम टू द अनदर व्लॉग। तो भाई खुश है और खुशी का राज एक ही है, आपको पिछले वीडियो में आपने देखा ही कि मेरा नया घर आने वाला है। गाड़ी निकल जाने पहले, हाँ तो हमारा नया घर आने वाला है जिसकी रजिस्ट्री हो चुकी है। रजिस्ट्री की प्रोसेस देखो आप फटाफट, अभी रजिस्ट्रार ऑफिस के मैं बाहर हूँ और ये आपको दिख रहा है और रजिस्ट्री ऑफिस है। बहुत भीड़ लगती है भाई, और लाइफ में पहली बार रजिस्ट्री कराने या रजिस्ट्री ऑफिस में गए थे तो वो भी एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस था जो कि आप देख लो पहले। सो फिलहाल आ गए हैं रजिस्ट्री ऑफिस। सो फिलहाल चल रही है यहाँ पर रजिस्ट्री और हमारा नंबर पता नहीं कब आएगा। सो फाइनली रजिस्ट्री हो गई कंप्लीट। रजिस्ट्री एक्चुअली मॉर्गेज का टाइम था तो वो भी हो गया है, अब फिलहाल यहाँ से निकल। तो ये थी रजिस्ट्री की प्रोसेस। अब रजिस्ट्री की प्रोसेस के बाद हम आपको ले चलते हैं घर पे, क्योंकि ये जो प्रोसेस थी ये 7-8 दिन पहले की है और उस समय मैं फिर वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाया। आज कंटिन्यू करेंगे, हम आपको दिखाएंगे घर में और क्या क्या काम होना है, अंदर से घर कैसा है वो भी दिखाऊंगा और बाहर से चलो दिखाते हैं जैसा भी होगा। और बस तो फिलहाल चलते हैं, मेरे साथ है हमारी वर्षा। तो ये भी चल रही है मतलब दिखाने, तो घर को आपको अच्छे से दिखाएंगे और अच्छे से बताएंगे सारी चीज़ें, है ना। और एक चीज़ नहीं बताएंगे, बस एक्सटीरियर जो है उसका हम जब कंप्लीट हो जाएगा, डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगी तब बताएंगे, है ना। चलो चलते हैं। सो भाई लोग आज मौसम बड़ा खतरनाक है, मतलब कि देखो सूरज मामा दिख ही नहीं रहे हैं। सूरज मामा होता है, चंदा मामा होता है, सूरज दादा होते हैं ना, तो वो दिख ही नहीं रहे। और हम फिलहाल निकल चुके हैं घर के लिए और ये हो रही मोटो ब्लॉगिंग, बट मुझे पता है कि वॉइस अच्छी नहीं आएगी इसलिए अभी फिलहाल इसको एंड करते हैं। तब तक आप नज़ारे देखो थोड़ा सा। तो हमारे घर आने और जाने में नदी भी पड़ेगी जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और तुम्हारे भाई को पता है तैरना कितना पसंद है मुझे, तो जब भी आऊंगा एक डुबकी लगा के जरूर जाएंगे। और नदी भी छिपरा नदी, ऐसी वैसी नदी नहीं है, क्योंकि हमारा घर उज्जैन में, अगर आपको पता नहीं हो तो इस नदी में जब भी आएंगे एक दो डुबकी लगाएंगे और पवित्र हो जाएंगे। और कुंभ वगैरह भी लगता है, आपको बताओ सिंहस तो जो लगता है उज्जैन में वो भी हमारे घर के इधर ही लगता है, इस साइड से चालू होता है, क्योंकि महाकाल और चिंतामण बहुत पास है यहाँ से। तो ये है और आज मौसम बहुत प्यारा है, मतलब आप देखो एकदम सर्दी सर्दी से हो रखा है। सूरज भगवान अभी वहाँ जरूर थे लेकिन अब छुप गए हैं पूरी तरह से। और उस साइड भी आप देख सकते हो पूरा कोहरा कोहरा हो रखा है और ये आधा तो ऑटो वालों ने कर रखा है। सो फिलहाल आ चुके हैं हम अपने घर पर और मोटा भी आ चुका है, तो अभी हम जाएंगे मतलब नीचे दिखाऊंगा आपको। ठंड बहुत है आज लिटरली, तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे बहुत सारी चीज़ें, अभी फर्नीचर का काम चल रहा है तो चलो दिखाते हैं आपको। और ये है छत जहाँ खड़े हैं हम, और ये अभी काम बाकी है बहुत सारा इसलिए हम आपको नहीं दिखा रहे हैं यहाँ। अभी ये हमारी छत रहेगी भविष्य में, आप जब भी हमारे ब्लॉग देखेंगे तो ये एरिया दिखने वाला है मोस्टली आपको। तो ये आजू बाजू घर हमारे बन चुके हैं, तो चलो हम चलते हैं अपने घर के अंदर नीचे। इसको गेट बंद कर देना मोटो, ठीक है। ये विंडो रहेगी तो यहाँ से कोई भी झांक सकता है, और ये बाहर से इसकी खासियत है बाहर से अंदर नहीं दिखता है। इधर इसमें लाइट जल रही हो तो फिलहाल लाइट नहीं जल रही है अभी ऐसे काम बिल्कुल नहीं किया जाएगा, तू करेगी जब मैं आऊँगा जाऊँगा तो। अच्छा ये यहाँ पे ये तार है, मतलब अभी लाइट वाइट फिटिंग होना बाकी है, सीढ़ियाँ ये क्लीन हो जाएंगी इसलिए हम नहीं दिखा रहे क्योंकि अभी गंदा हो रखा है ना, काम चल रहा है पूरा। तो बाकी सीढ़ियाँ बहुत छोटी छोटे स्टेप है, मतलब मैं तो एक बार में, हाँ कंफर्टेबल तो है बट एक बार में, और ये टकरा सकता है, खैर इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए है। और यहाँ से हम चल लेते हैं नीचे, कौन सी ये वाली दीवार को बोल रहे थे तुम, ये वाली दीवार और ये वाली भी, सिर्फ ये दीवार है ना, हाँ तो कर सकते नहीं उधर की भी कर लेंगे। तो ये खुल रहा है हमारा जाली वाला गेट जो बाहर का गेट है वो, और ये सास भी कभी बहुत ही वाला वो कहानी घर घर की होता है ना। और यहाँ पर सारा सामान, ये हमारी बड़ी सी विंडो होने वाली है जो कि आपको देखने को मिलेगा, नहीं ब्लैक नहीं है, ग्रीन चमकीला टाइप का है ये एक्चुअली PVC है किसी कस्टमर की, हमारी नहीं, हमने चूज नहीं किया। तो ये हमारा फर्नीचर का काम चल रहा है ब्रोस,
और ये बोर्ड वोर्ड लग गए। हमने बोर्ड में भी सिलेक्शन किया है, जो बोर्ड आता है वो ये आपने फोटो में देखा वो वाला बोर्ड रहता है ना, तो हमने ये थोड़े सा एक्स्ट्रा पैसे देके और दूसरे बोर्ड करवाए, जो कि इसे लगेंगे तो कितने प्यारे लगेंगे, बड़े बड़े बटन से ना थोड़ा तो थोड़ा सा लग्जरी टाइप का, लग्जरी क्या ही बोले कि मतलब थोड़ा सा अच्छा दिखता है। और ये बहुत सारी प्लाई आ गई है और ये इस पर काम चल रहा है, कटिंग वटिंग चल रही है। ये बोर्ड हैं, ये लगे हुए हैं, ये ड्रम पता नहीं क्यों पड़े हुए हैं, क्योंकि इनका काम ये अभी चल ही रहा है ना। ये किचन है, ये मॉड्यूलर करवा रहे हैं हम, तो इस पर वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी एक दो दिन में, नहीं थोड़ा अंधेरा टाइप का है। अभी लाइट लगी नहीं है, देख लो आप, पूरा खाली है। ट्रॉलीज है और ये ट्रॉलीज हमने कटलरी, ये कटलरी वाला स्पेशल दिख ही नहीं रहा क्या, रुको। तो ये है कटलरी का पूरा जो है आएगा, और ये कटलरी यहाँ पे लगेगी इस जगह पे। तो ये है पूरा कंप्लीट किचन, और यहाँ पर इसको पैक कराएंगे, यहाँ पर आएगा हमारा मंदिर, और ये सारी ट्रॉली ट्रॉली अलग अलग ट्रॉलीज लगी हुई हैं इसमें। ये सबसे बड़ी वाली थाली, थाली की भी है और ये अलग अलग होती है ट्रॉलीज, छह ट्रॉली। ये एसी वाली दो ट्रॉली रहेगी, एसी वाली दो ट्रॉली रहेगी, सब कुछ हाइड होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ एसी वाली बड़ी ट्रॉली दो रहेगी और वो छोटी ट्रॉली दो रहेगी और ये बड़ी दो रहेगी, और तीन इधर लगेगी, देखो तीन इधर लगेगी, तीन इधर लगेगी, हाँ तीन इधर और बीच में वो एक लंबा वाला पल्ला वो ऊपर से नीचे तक, वो दो फ्लोर का रहेगा इसमें। देखो होगा, ये होगा वॉश एरिया जो कि अभी कंप्लीट होने वाला है, ये होने वाला है लेट वाथ कॉमन टाइप का। ये है हमारा रूम, अभी लाइट नहीं लगी तो हमने इसलिए ऐसे ऐसे वाली लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ तो ये है हमारा वॉशरूम जो अटैच वाला है, क्या हम इस रूम में भी ग्रे करेंगे थीम? हाँ नहीं, डिपेंड्स ऑन यू, मैं तो कुछ बोला ही, और ये अभी काम होना है जो भी कलर जो होती ना ये। हाँ। उसके सो ये एक कमरा है जो कि मास्टर रूम होने वाला है, दिस दिस अरे भाई टैप, हाँ ये this, ये वाला, और वाइड एंगल नहीं कर रहा हूँ फिर देखो ऐसा दिखेगा। तो ये और दूसरा कमरा ये वाला, ये एक्चुअली ज्यादा बड़ा है, ये थोड़ा बाथरूम बाथरूम के चक्कर में छोटा हो रहा है। सो ये था हमारा छोटा सा ब्लॉक, छोटे से घर का, इट्स यूज फॉर अस, 1000 square feet है बट फिलहाल तो छोटा सा ही है मतलब, और बहुत जल्दी हम शिफ्ट भी होंगे यहाँ पर, तो अभी काम चल रहा है होपफुली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं बताया, ज़्यादा कुछ बताया भी नहीं क्योंकि लंबे ब्लॉग रखना नहीं था मुझे, छोटे छोटे में काम चलाएंगे अभी सब कुछ। चलो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।